नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में पुलिस पर हुआ हमला, पुलिस ने की आरोपियों की पहचान, गिरफ्तारी के लिए आरोपियों पर किया हजारों का इनाम घोषित। गुंडे और बदमाशों पर इंदौर पुलिस का शिकंजा, हजारों मामलों में पुलिस ने की कार्यवाही, आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। 10 साल के बालक पर तेंदुए ने किया हमला, तेंदुए के हमले से नन्ना बालक हुआ घायल, इलाज जारी, बकरी चराने गया था नन्ना बालक। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान दो पुलिसकर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया था। दरअसल पीथमपुर रोड पर चेकिंग के दौरान दो पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। वहीं त्वरित गिरफ्तारी को लेकर आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। SP पूर्व आशुतोष बागरी के अनुसार आरोपी को पकड़ने में घायल हुए दोनों पुलिसकर्मियों को इंदौर के IG जोन ने इनाम देने की घोषणा की है। के अलावा जो जवान हैं, जिन लोगों ने उसको रोक करके पकड़ा है, उसको रिस्पेक्टेड IG सर ने भी उनको जो है इनाम देने की घोषणा की है, क्योंकि उन लोगों ने एक अपराधी था जिसको कि रोक करके चेक किया, और चेक करने के क्रम में वो अपनी ड्यूटी में उन पे जो है उस अपराधी ने हमला किया, और यदि वो उसको नहीं चेक करते, नहीं पकड़ते, तो हो सकता है कि वो जाकर के कहीं बड़ी वारदात करता। तो पुलिस उसकी शिकार हुई, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान पे खेल करके और आम आदमी को उसमें नुकसान होने से बचाया है, इसलिए जो है IG सर ने उस पे दोनों जवानों को इनाम देने की भी घोषणा की। शहर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए इंदौर पुलिस लगातार गुंडे बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस कार्यवाही को लेकर SP पूर्व आशुतोष बागरी के अनुसार पिछले 7 महीने में कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में बड़ी कार्यवाही को भी अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पूर्वी क्षेत्र में अब तक आर्म्स एक्ट के 804 प्रकरण, तो वहीं आबकारी एक्ट के 1628, NDPS के 807, धारा 110 में 4973, धारा 122 में 44 और NSA के 77 मामलों में कार्यवाही हुई है। इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शाम को जो है जो फोर्स है वो उसकी विजिबिलिटी रहे, इसमें हमारे भी निर्देश हैं और आदरणीय IG सर के, DIG सर के भी यही निर्देश हैं कि फोर्स जो है फील्ड में रहे, और जहाँ पे ऐसे आपराधिक तत्व अड्डे हैं, जहाँ पे कि आपराधिक तत्व बैठते हैं, खास करके कि शराब पीने वाले या स्मैक का नशा करने वाले या जुआ खेलने वाले, इस टाइप के जो अब लोग हैं वो बैठते हैं वहाँ पे, लगातार कंटिन्यूसली रेड की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, और ये पुलिस लगातार कर रही है, और इसी का परिणाम है कि इस चेकिंग के दौरान हमें कई जो है जो रियल लाइफ जो उसमें चाकूबाज हैं वो मिले हैं, हथियार के साथ मिले हैं, और पुलिस ने उन पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की, और ऐसे करीब जो 60 से 70 लोग हैं इस भी तीन चार रोज के अंदर में, जिसमें कि लगातार ये फ्रिस्टिंग और चेकिंग के दौरान ये ऐसे अपराधी पकड़ में आए हैं। मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडव में बकरी चराने गए 10 साल के नन्हे बालक पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। इस हादसे में नन्हा बालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे मांडव में प्राथमिक उपचार के बाद धार के जिला अस्पताल लाया गया। इस हादसे को लेकर मांडव वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर जगदीश मालवीय ने बताया कि मांडव में मीरा की जिरात नामक जगह पर 10 साल के लोकेश पर घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया। हालांकि चीख पुकार सुन तेंदुआ वहां से भाग गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने बालक को अस्पताल पहुंचाया। मांडू क्षेत्र में एक बच्चे पे तेंदुए ने हमला किया है, क्या है? जी हाँ, वो क्या बकरी चराने गया था, बकरी में तेंदुआ तो घूमते रहते हैं मांडू में, बस वो कोई उसने हमला कर दिया, कोई बकरी को पकड़ने गया और तेंदुआ आइए कोई भगाने गया होगा, एकदम उसको झपक लिया उसको। अच्छा, किस क्षेत्र की घटना? ये मांडू के है, कक्षा खरमांग 290 मीरा भाई की जीरात जी, और बीट का नाम है बीट मांडो। अच्छा, बच्चे की क्या स्थिति है? अभी बच्चे की अभी भर्ती करा है, उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं। अच्छा, तेंदुए पे एक बच्चे पे हमला हुआ है, अभी आपके बहुत चिकित्सालय में लेकर आए, क्या स्थिति हो रही है? बच्चा ठीक है, अभी सिर में चोट के निशान थे, उसके लिए अभी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया बच्चे का, बच्चा अभी ठीक है। कितने टाँके आए? लगभग 6-7 टाँके लगे हैं उसमें, बड़ा घाव था, लेकिन अभी ठीक है बच्चा। आपका नाम? डॉक्टर आशीष। फिलहाल खबरों में बस इतना ही,
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।